स्टार्ट हो गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैम चौक नहीं है। हाँ प्लीज थोड़ी बड़ी देना हाथ। हाँ भाई फाइनल ईयर। हाँ भाई फाइनल ईयर। आप लोगों के में अब क्या टॉपिक चल रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी। कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर चुके हैं। अब जो आपके में कॉन्सेप्ट आने वाला है क्लास, उसका नाम है मेज की सहायता से जांच व भूल। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को याद हो तो ट्रायल एंड एरर बताया था, है ना? और ट्रायल एंड एरर में ही आप लोगों के में ये मेज की संरचना बताई थी, है ना? कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्मॉल, ठीक है? तो उन्होंने, स्मॉल ने क्या किया था, उन्होंने एक मेज का निर्माण किया था और इस मेज को हम टी मेज के नाम से जानते हैं, ठीक है? किस नाम से जानते हैं? टी मेज के नाम से जानते हैं। और इसका आकार जो था वो था, ठीक है, 6 feet to 8 feet। किस तरह से था जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये इसी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया है वो किस शेप का है, वो है आपके इंग्लिश के अल्फाबेट टी के जैसा है, ठीक है? इसीलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं? टी मेज के नाम से जानते हैं। कितने स्टूडेंट्स आए? ओनली वन, ग्रेट। हाँ भाई चलो हम बात करते हैं अपने टी मेज के बारे में, ठीक है? तो टी मेज के बारे में जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्मॉल, उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। भाई हम ये से किसमें स्टडी कर रहे हैं? जांच व भूल में, ठीक है? क्योंकि कोई भी जीव, कोई भी प्राणी जो है वो अब कुछ अधिगम करता है, लर्न करता है, तो लर्निंग के लिए उसको बहुत सारी विधियों का उपयोग करना पड़ता है और उसी में एक कॉन्सेप्ट आया था जांच व भूल। अच्छा फाइनल ईयर, आप लोगों तक वॉइस तो क्लियर है ना? कोई परेशानी तो होगी नहीं शायद? अगर वॉइस से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। चले आगे चलते हैं। तो इसके लिए मेज की सहायता से जब जांच व भूल परीक्षण किया था तो किस तरह किया था स्मॉल ने? यहां पर उन्होंने एक चूहा रखा था, ठीक है? क्या यूज किया था उन्होंने? चूहा। और चूहे के साथ में उन्होंने उसके एक तरफ, यहां इस तरफ उन्होंने उसके लिए खाना रख दिया था, ठीक है? अब ये खाना रख दिया, अब उन्होंने क्या किया, अपने इसी चूहे का अधिगम देखना था, ठीक है? कि किस तरीके से ये जो रैट है वो किस तरह से अपने इस खाने तक पहुंचता है, ठीक है? तो खाने तक पहुंचने के लिए इस रैट ने जो उपयोग की थी विधि वो थी जांच व भूल। भाई कोई भी अगर प्राणी है वो कोई नई काम सीखता है तो किस वे में सीखता है? वो सीखेगा अपना कुछ भूल करके, बहुत सारी चीजों में वो पहले भूल करेगा, कुछ परीक्षण करेगा, तभी तो वो कुछ चीज लर्न कर पाएगा। तो इसके लिए मैम ये सही नहीं किया आपने, पता नहीं ये चिपक रहा है बार बार। हाँ ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जब चूहा रखा था, अब चूहा जो है, ठीक है, ये यहाँ से चूहा इस तरह घूमते 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 पहले यहाँ गया, यहाँ गया, इस तरह घूमते घूमते यहाँ आया, ठीक है? उसको यहाँ खाना मिला एज अ रिवॉर्ड। भाई
आप लोगों को लास्ट टाइम पर बताया था कि जांच व मूल जो विधि है उसके दो आधार होते हैं क्या, एक तो होता है रिवॉर्ड और एक होता है पनिशमेंट, मतलब या तो दंड या फिर उसके रूप में कुछ उपहार। तो यहाँ पर उपहार के रूप में ही, मतलब एक रिवॉर्ड के रूप में ही एक खाना रखा हुआ था। अब ये चूहा बार बार जाता था इस तरह से, फिर यहाँ पहुंच गया, उसको फिर जब ये लौट कर आया अपनी जगह पर, इसको फिर यहाँ से उठा लिया, कुछ टाइम के बाद फिर उसको यहाँ रखा, वो फिर इस तरह से टहलता हुआ गया, पहले इस तरफ मुड़ा, उसके बाद फिर इस तरफ मुड़ा, से खाना मिला, खाना खाने के बाद वो फिर लौट आया, फिर उसको यहाँ से उठा लिया। तीसरे टाइम में जब यही प्रोसेस उन्होंने बार बार किया था, तो जब उन्होंने लास्ट टाइम इसको यहाँ दोबारा रखा था इस रैक को, तो उन्होंने क्या देखा साइंटिस्ट ने, कि जो चूहा था पहले वो इस तरफ टर्न करता था, घूमता था, ठीक है, लेकिन अब उसने ये चीज़ अधिगम कर ली थी, लर्न कर ली थी कि उसको भाई भूख लग रही है तो उसको डायरेक्ट उसको खाना हर बार यहाँ मिलेगा। वो हर बार पहले ऐसे मुड़ता था तभी तो जाता था खाने तक, लेकिन अब उसने धीरे धीरे जब यही प्रोसेस जब बार बार हुई तो उसने ये चीज़ लर्न कर ली थी कि अब मुझे अगर खाना चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, डायरेक्ट इस तरफ जाके इस तरफ टर्न करना है, ठीक है। तो यार टर्न करने की जो प्रोसेस थी, यही सब चीज़ जो थी वो किसने लर्न कर ली थी, इस चूहे ने लर्न कर ली थी यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। अब क्या किया, अब कुछ साइंटिस्ट बोले भाई इसी चीज को कि हो सकता है इस फूड की जो एरोमा होती है, क्या होती है एरोमा, भाई देखो एरोमा मीन क्या होता है, पहले से ही समझिए, अरोमा मीन होता है जैसे आप लोग कुछ भी खाते हो तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें, जैसे आप कुछ भी चीज़ खाते हो तो उससे कुछ खुशबू आती है ना, जैसे परफ्यूम की हम खुशबू बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्मेल नहीं बोलते हैं कभी भी, उसे हम फ्रेग्रेंस के नाम से जानते हैं ना, फ्रेग्रेंस बोलते हैं, कोई गंदी चीज़ की स्मेल आएगी तो स्मेल के नाम से बोलते हैं, और या बैड स्मेल के नाम से जानते हैं, या फिर अगर हम खाने की हम बात करते हैं तो हम उस सुगंध को किस नाम से बोलते हैं, एरोमा के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो एरोमा क्लियर हो गया होगा कि एरोमा क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिकों ने ये तथ्य दिया था कि हो सकता है ये चूहा जो है ना वो शायद सूंघते सूंघते खाने तक पहुँच गया है, उसने ये चीज़ लर्न नहीं की है, मतलब अधिगम नहीं किया है इस चीज़ का खाने को लेकर, उसने क्या किया है अपनी सूंघने की शक्ति को उपयोग करते हुए वो कहाँ पहुँचा है, अपने उस खाने तक पहुँचा है। तो बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके जो ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं, मतलब घ्राण बल्ब जो होते हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी किस में काम आता है, अगर आप लोगों को याद हो ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है वो हमेशा सूंघने में काम आती है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जो होती है वो किस में काम आती है, वो देखने में काम आती है, वो नर्व हमारी आंखों में जाती है ना। तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होते हैं उन्होंने क्या किया, इस चूहे जो यहाँ पे यूज़ किया था अपना एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पर, तो यहाँ पर उन्होंने अपने सब्जेक्ट में से क्या निकाल दिए, ऑल्फैक्टरी बल्ब निकाल दिए, उसके बाद इस चूहे को रखा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो चूहा लिया है अब सेकंड टाइम में, ठीक है क्लास, ये यहाँ लिया है सेकंड नंबर का चूहा, मतलब जो पहले चूहा था उसको चेंज करके दूसरा चूहा लिया, लेकिन उसमें से क्या निकाल दिए थे, ऑल्फैक्टरी बल्ब निकाल दिए, क्लियर, उसको रखा। अब वो क्या करता है, चूहा इस तरह से पहले जाएगा ऐसे घूमते हुए, उसको यहाँ पर खाना मिलता है, वो खाना खाने के बाद फिर लौट कर अपनी जगह पर आ जाता है, इसको उठा लेते हैं साइंटिस्ट, उसके बाद फिर ऐसे रखते हैं, तो वो फिर पहले इस तरफ मुड़ता है, ठीक है, और फिर इस तरफ जाने के बाद फिर खाना खाने के बाद फिर लौट आता है। जब यही प्रोसेस साइंटिस्ट बार बार करते हैं, देखिए इस बार उसमें क्या था, ऑल्फैक्टरी बल्ब निकाल लिए थे, मतलब वो सूंघ कर नहीं पहुँच सकता था, सूंघ कर नहीं पहुँच सकता था। तो अब जब उन्होंने तीसरी चौथी बार रखा उन्होंने इसी तरह से, तो वो जो चूहा था उसने क्या किया, वो पहले इस तरफ टर्न करता था, तो टर्न ना करते हुए वो डायरेक्ट अपने इस खाने की तरफ पहुंचा था, ठीक है, जहाँ पर उसको एज अ रिवॉर्ड क्या मिलता था, खाना मिल जाता था। तो जब वो इस तरीके से पहुंचा तो सारे वैज्ञानिक बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये देखो हमने तो इसके ऑल्फैक्टरी बल्ब्स निकाल लिए थे लेकिन फिर भी देखो मतलब ये सूंघ कर तो नहीं पहुंचा कम से कम। तो जो साइंटिस्ट थे जो इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे स्मॉल साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा देखो मैं पहले ही बोल रहा था कि इसने अधिगम कर लिया है, इसने लर्न कर लिया है कि इस तरफ मुड़ना है मुझे खाना मिल जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या कहते हैं, कुछ और साइंटिस्ट ने
उन्होंने कहा कि अच्छा देखो आपने इसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑल्फैक्टरी बल्ब ही तो निकाले हैं, सूंघ ही तो नहीं सकता, देख तो सकता है, आंखें तो हैं उसकी कि वो भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो काम करते हैं। उन्होंने फिर अपना थर्ड रेट लिया, ठीक है अपना तीसरा चूहा लिया, और इसमें से जो ऑप्टिक नर्व थी जो हमारी आंखों में जाती है ऑप्टिक नर्व, ठीक है भाई कितनी होती हैं, अगर आप लोगों ने नर्व्स के बारे में जानते हो तो हमारी सर्वाइकल कितनी जाती हैं, वो जाती हैं 12 होती है ना। तो यहाँ पर 12 पेयर्स जो नर्व्स होती हैं उनमें से एक होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में से जो कहाँ जाती है आपकी आँख में जाती है। तो उन्होंने क्या किया था, ऑप्टिक नर्व निकाल ली अपने इस थर्ड नंबर के रेट में से, ठीक है। उन्होंने सेम प्रोसीजर फॉलोअप किया, पहले इसको यहाँ रखा तो ये पहले घूमता ऐसे घूमता घूमता फिरता हुआ जा गया इस तरफ से, उसको यहाँ पर जब खाना मिला इसने खाना खाया फिर लौट कर अपने यहाँ आ गया, उसके बाद फिर इसको यहाँ से उठा लिया, फिर इसको एक दिन के बाद रखा तो फिर से उस इसी तरीके से उसे फॉलोअप किया फिर लौट कर आ गया। जब यही प्रोसेस जब यही प्रक्रिया बार बार दोहराई गई तो इस चूहे ने क्या किया, वो डायरेक्ट गया और इस तरफ से कर गया, ठीक है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या कहा कि देखिए ऑप्टिक नर्व का अधिगम पर भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि एक बात बताओ जो लोग अंधे होते हैं क्या वो कुछ नहीं सीखते हैं, चलना फिरना सीखते हैं ना वो लोग भी, तो वो तो बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें अधिगम करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्टिक नर्व का भी इस एक्सपेरिमेंट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तब उन्होंने ये बात बोली कि देखिए आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक नर्व भी तो निकाले हैं इसके, अरे इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, ठीक है जिससे तंत्रिकाएं चलती हैं वो तो उसके पूरी तरह से वो है अच्छी है ना। तो तंत्रिकाओं को यूज निकालने से पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बहरे चूहे को ध्यान देना भाई, पहला चूहा जो था उसमें से ऑल्फैक्टरी बल्ब निकाले थे, उसके बाद में से ऑप्टिक नर्व जो देख सकता था मतलब अब ये अंधा हो चुका था यहाँ पर, और उन्होंने एक बहरे चूहे को रखा। तो इस तरीके से पहले वो रॉन्ग डायरेक्शन में गया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो राइट डायरेक्शन में जाने के बाद उसने क्या किया, अपना खाना खाया लौट आता था। तो धीरे धीरे करके जब उन्होंने अपने सब्जेक्ट बढ़ाए यहाँ पर चूहे जो उन्होंने यूज़ किए धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ाना स्टार्ट किया था वैसे वैसे उन्होंने एक बात ये नोटिस की कि हम जब भी चूहा रखते हैं भले ही हम उनमें कोई भी नर्व इसमें से निकाल लेते हैं लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, अधिगम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने ये बात बोला था कि देखिए आपने तो सिर्फ क्या निकाली है, ऑल्फैक्टरी बल्ब निकाले हैं, ऑप्टिक नर्व निकाली है, और यहाँ पर साथ में उनके जो ईयर में नर्व जाती हैं, ठीक है वो यहाँ से निकाली है। तो करना क्या था, उन्होंने ये बात बोली कि देखिए इसकी स्पाइनल कॉर्ड में जो क्या रहती हैं तंत्रिकाएं रहती हैं वो तो उसके दिमाग से वो है ना, वो कैसे वो करेंगी। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है स्पाइनल कॉर्ड यहाँ गर्दन की तरफ से उन्होंने क्या किया, उनको वहां पर रोक दिया, ठीक है यहाँ पर उन्होंने उसको डैमेज कर दिया गर्दन की तरफ से स्पाइनल कॉर्ड को। तो उससे क्या हुआ कि वो थोड़ा चल नहीं पा रहा था, स्पाइनल कॉर्ड हमारा ब्रेन से जुड़ी हुई सारी कॉर्ड्स जो हमारी किस में जाती हैं, हमारे वर्ड में जाती हैं है ना, जो कशेरुकी बोलते हैं जिसको, ठीक है उसमें से जब वही वहाँ पर क्या कर दिया था गर्दन की तरफ से उन्होंने यहाँ पर डैमेज कर दी नष्ट कर दी थी। तो ये चूहा जो था अब वो कैसा था, वो अब यहाँ पर क्या कर सकता था, सिर्फ थोड़ा सा बेचारा चल सकता था, मतलब चल भी नहीं रही थी, रेंग तो पा रहा था। तो धीरे धीरे रेंग रेंग करी पहले गलत डायरेक्शन तरफ, उसके बाद धीरे धीरे क्या किया उसने, वो अपने सही डायरेक्शन में गया, मतलब उसने धीरे धीरे करके यही चीज क्या कर ली उसने, अधिगम कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर ये टी मेज का जो निर्माण था वो एक साइंटिस्ट ने किया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं क्लास ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या था, स्मॉल साइंटिस्ट। उन्होंने अपने सब्जेक्ट के तौर पर किसे लिया था, एक चूहे को लिया था, और इस चूहे को एक रिवॉर्ड के तौर पर खाना देते थे, और उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखना था, उन्हें ये देखना था कि ये चूहा अधिगम कितना करता है, और अधिगम के जो प्रोसेस है वो कौन सी होनी चाहिए, जांच व भूल, ट्रायल एंड एरर होनी चाहिए, यही किया था ना उन्होंने।
अब इस तरह के उसमें एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा, साइंटिस्ट ने, स्मॉल ने ये देखा कि देखिए इन सब चीज़ों को ना तो ऑल्फैक्टरी वॉल्व, ऑप्टिक नर्व या ऐसी नर्व्स जो हमारे और अदर नर्व्स होती हैं ईयर्स में जाती हैं या स्पाइनल कॉर्ड, इन सब का अधिगम पर मतलब लर्निंग पर या जांच व भूल प्रक्रिया पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर जांच व भूल? मैम कोई वो आया है क्या रिस्पॉन्स? ठीक है, क्लियर है यहाँ पर ये? चलें आगे चलते हैं फिर हम। अब जो हमारी नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट वो है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग, ठीक है। तो इस लर्निंग में क्या होता है, फाइनल ईयर लेटेंट लर्निंग में जनरेशन साइंटिस्ट ये बात बोलते हैं कि कुछ अधिगम मतलब कुछ लर्निंग जो होती है वो होती है प्रत्यक्ष तौर पर। किस तौर पर होती है? प्रत्यक्ष तौर पर, मतलब जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं वो तो वो लर्न कर लेती हैं। ठीक है, हम चाहते थे कि भाई वो डायरेक्ट मेज को पहचाने, जो भी थोड़ी देर पहले टी मेज बताई थी उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये चाहते थे कि ये इसको टी मेज को पहचाने। ठीक है, तो ये तो होता है डायरेक्ट अधिगम। ठीक है, अच्छा, और कुछ अधिगम ऐसे होते हैं प्राणी में जो डायरेक्ट अधिगम मतलब प्रत्यक्ष अधिगम के साथ साथ उसमें कुछ गुप्त अवस्था में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? उसमें गुप्त अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, कैसे आ जाते हैं? गुप्त अवस्था में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं भाई, अच्छा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको आपकी मदर कुछ चीज सिखाना चाहे, ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है कि साइकिल चलाना सिखाया जाए आपके फादर ने, ठीक है, आपको जनरली एक मेथड बता दिया है फादर ने इस तरह सिखाना है। ठीक, अगर आप उसमें बहुत सारी चीज़ें अपनी और यूज करके, अगर आपके हाथ में कभी कभी कोई दूसरे टाइप की साइकिल आएगी, ठीक, क्योंकि साइकिल से बहुत तरीके की होती हैं, एक रेंजर वाली होती है, कुछ और भी बहुत टाइप्स की आती हैं आजकल तो मार्केट में, बच्चों के पास बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक टाइप की साइकिल चलानी आती है, आपने क्या किया होगा, अगर दूसरी टाइप की साइकिल आपके हाथ में आएगी ना, तो आपको पता है कि इसको भी हमें किस वे में चलाना है, पता होता है ना। तो यही चीज होती है गुप्त अवस्था में जो आप में आ चुकी है, मतलब आप जो चीज सीख रहे हैं उसके साथ साथ आपने और भी बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। ठीक है, अब जैसे एक बात बताएं, आप कभी कॉलेज में आते, ठीक है, आप यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हैं, अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, जस्ट एक जूलॉजी का लेक्चर चल रहा है, तो क्या आप पूरे टाइम में सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी का एक लेक्चर ही सीखोगे? नहीं, आप इस पूरे दिन में आपके सामने जो जो चीज़ आपके लेक्चर चल रहे हैं आप इनके अलावा बहुत सारी और चीज़ें सीख के जाओगे, जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखोगे, जो आप चाहे तो ड्रेस सेंस हो, चाहे वो बात करने का स्टाइल हो, चाहे वो किसी भी और तरीके की चीज़ें हों, जैसे आप कॉलेज में आप फर्स्ट टाइम आए, आपने जस्ट एक बार बिल्डिंग देखी, ठीक है, आपका काम क्या था, आपको आना था कॉलेज और जाके डायरेक्ट सर से मिलना था, आप सर से मिलकर घर जा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, नहीं, आप आए तो सही उसी पर्पज से आए, सर से तो मिले, लेकिन आपने और भी चीज़ें यहाँ पर अधिगम की। क्या अधिगम किया? कि यहाँ पर क्लासेस कितनी हैं, यहाँ पर क्लासेस नीचे भी लगती हैं, ऊपर भी लगती हैं, और साथ में कितने रूम्स हैं, लाइब्रेरी है कि नहीं है, यहाँ पर लैब्स हैं कि नहीं, लैब हैं तो यहाँ पर किस किस की लैब हैं, है ना, और साथ में यहाँ पर बच्चे और कितने कितने आ जाते हैं। भाई आपका पर्पस यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या था, आपका काम सिर्फ एक ही था कि आप यहाँ आते सर से मिलते, लेकिन आपने और क्या क्या काम किया, आपने यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें और भी सीख ली हैं। अगर आपसे यहाँ पर आप यहाँ से गए, आपको यहाँ के किसी टीचर ने क्या बात बताया है कि भाई इस तरह से प्रोसीजर है, आपको इतनी फीस लगेगी, ये बात है, आप आइए एडमिशन कराएं, कोई और आपसे पूछे कि आप वहाँ गए थे उस कॉलेज में तो बताएं क्या क्या काम हुआ,
ये क्या क्या फैसिलिटी है। आप सिर्फ वही चीज नहीं बताओगे जो टीचर ने आपको बताई थी कि भाई इतनी फीस है, यहाँ पर आप आइए 20,000 रुपये फीस है और हमारे यहाँ ये बल्ब है ये सब है। आप क्या वहाँ बताओगे, देखो फीस तो वहाँ इतनी है ठीक है, वहाँ पर रूम्स भी कम से कम 10 होंगे और साथ में वहाँ पर जो बिल्डिंग है वो भी डबल स्टोरीज की है और साथ में वहाँ पर क्या है लैब्स भी हैं और लाइब्रेरी भी है, साथ में ऑफिस भी है, वहाँ पर टीचिंग स्टाफ भी मैंने देखा था, तो थोड़ा मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपने इतना देखिए, आप यहाँ से आए थे पर्पस से एक चीज़ था कि सब थोड़ा बहुत यहाँ का नॉलेज लेना। क्या नॉलेज लेना था कि भैया फीस कितनी है, कितने स्टूडेंट होंगे, बस इतना आपका काम था जहाँ पर आपने प्रत्यक्ष लर्निंग की थी। लेकिन आपने उसके साथ साथ कुछ कैसी वो कर ली है, गुप्त अवस्था में भी आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली है, सीख ली है, अधिगम कर लिया है। क्लियर है? तो अब ये जो आपने जो गुप्त अवस्था में बहुत सारी चीज़ें सीखी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम जानते हैं लेटेंट लर्निंग के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसे हम, लेटेंट लर्निंग के नाम से जानते हैं। देखिए लेटेंट लर्निंग को आप चाहे लेटेंट लर्निंग कहें या फिर इसे आप कह सकते हैं गुप्त अधिगम। ठीक है, गुप्त अधिगम, देखिए गुप्त अवस्था में ही रहता है ना, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, गुप्त अधिगम के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में आप गुप्त अधिगम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चले इसका हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चले भाई मुझे लगता है ये चीज तो आपने सीख ली होगी अभी तक, है ना। एक और देख लेते हैं, आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। जो अभी सिखाया था टीम एज वाला मेथड, बस उसी को एक आधार बनाकर साइंटिस्ट ने क्या काम किया था, उन्होंने एक तरफ खाना रख दिया था, ठीक है, फूड स्टफ था यहाँ पर। यहाँ पर उन्होंने अपना एज अ टेस्ट क्या रखा था, चूहा रख दिया था, रैट रखा था यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर रख दिया था पानी। ठीक है, क्या रख दिया था, पानी रख दिया था। अब उन्होंने चूहा जो यहाँ पर रखा था, सबसे पहले जो यहाँ पर चूहा यूज हुआ था वो था भूखा चूहा, मतलब यहाँ पर एक ऐसा चूहा यूज किया गया था जो कैसा था, वो सिर्फ और सिर्फ भूखा था, पानी वानी उसको जरूर दे रहे थे लेकिन उसको खाने को कुछ नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो जब हमने ऐसे चूहे को अपने सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर जब रखा टीम मेज पर, तो होता क्या है, ये चूहा अपने भाई व्यवहार जो है वो तो प्रदर्शित करेगा ही, ट्रायल एंड एरर का तो वो यहाँ पे दिखाई गई। तो उसके लिए सबसे पहले वो घूमता फिरता ऐसे गया, यहाँ उसने पानी देखा, पानी उसको चाहिए नहीं था, तो ऐसे घूमते घूमते दूसरी तरफ आया, उसको यहाँ खाना मिलता है। खाना भी उसको किस रूप में मिलेगा, एक रिवॉर्ड के रूप में। ठीक है, किस रूप में मिलेगा उसको, यहाँ पर एक रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। और वो इस तरीके से खाना खाने के बाद फिर लौट आया। ठीक है, अब इस चूहे को दोबारा से यहाँ रखा, वो फिर से ऐसे गया और उसने फिर यहाँ देखा पानी है, तो पानी तो उसको चाहिए नहीं था, वो फिर से इस तरह से जाके यहाँ पर उसको खाना मिलता है, खाना खाने के बाद फिर लौट आता है। ठीक है, अब इस चूहे को फिर उठा लिया। जब यही प्रोसेस बार बार दोहराई गई तो होता क्या है, लास्ट में उन्होंने इस चूहे को भूखा ना रखकर उसको यहाँ पर प्यासा रखा। ठीक है, अब यहाँ पर जो चूहा यूज किया था वो कैसा था, थ्रस्टी था, थोड़ा प्यासा था। अब होता क्या है, ये इसको बहुत प्यास लग रही है, चूहा तो वही है फर्स्ट जो फर्स्ट टाइम पे लिया गया था चूहा, वही चूहा है। तो अब उसको प्यासा था बहुत ज्यादा, इसको जैसे ही यहाँ रखा, ठीक है, उसको पता था कि मैं यहाँ जाता था मुझे यहाँ पानी मिलता था, यहाँ पे खाना मिलता था, और मैं खाना, मुझे पानी तब चाहिए नहीं होता था लेकिन मुझे खाना चाहिए होता था, इसलिए मैं यहाँ आकर खाना खा के लौट जाता था, है ना। लेकिन अब उसने क्या किया था, उसने इस पानी के बारे में गुप्त अवस्था में ही इस चीज़ को लर्न कर दिया था, अधिगम कर दिया था। इट मीन्स जैसे ही इस प्यासे चूहे को यहाँ रखते हैं, होता क्या है, ये चूहा जाता है और फटाफट से इस तरफ मुड़ के पानी पी के और फिर लौट आता है। उसको इस बार खाने की जरूरत थी ही नहीं क्योंकि खाना तो उसको मिल रहा था, पानी नहीं मिला था। तो यहाँ पे चूहे ने ये चीज अधिगम कर ली थी, उसको ये बात पता था कि अगर मुझे भूख लगेगी तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, और जब मुझे प्यास लगेगी तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना है ना।
तो यहाँ कहने की बात ये है फाइनल ईयर है कि जब हम किसी भी प्राणी को कुछ चीज़ सिखाते हैं, कुछ चीज़ लर्न या अधिगम कराते हैं, तो वो चीज़ तो लर्न करता ही है जो उसको कराई जाती है, साथ में वो इसके में कुछ और गुप्त अवस्था में भी बहुत सारी चीज़ें लर्न कर लेता है, सीख लेता है। और इसी चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, लेटेंट लर्निंग, मतलब गुप्त अधिगम। क्लियर हुआ यहाँ पर है फाइनल ईयर ये गुप्त अधिगम। किसी को परेशानी है तो आप पूछें, वरना फिर आगे चलते हैं। किसी का कोई बोलिए है? क्या है? अच्छा पानी ले लीजिए। फाइनल ईयर क्लियर है ना? मैंने जो यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल सेट किए, क्लियर हो गए? चले, अब जब आपको ये क्लियर है, पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है? चलो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो रिप्लाई किया करें आप। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मतलब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इनसाइट लर्निंग, ठीक है? क्या है यहाँ पर? अब हमारा जो नेक्स्ट है अधिगम वो है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग में क्या होता है फाइनली, इसमें कोई भी प्राणी या कोई भी जंतु वो क्या करता है, वो किसी की नकल करता है। क्या करता है? उसकी नकल करता है, ठीक है? और ये नकल भाई, ये नकल भी जो होती है वो किस वे में की जाती है, वो किसी को देख के की जाती है। चाहे वो जो पर्सन है जिसको देख के कर रहा है, चाहे तो वो उसी का हो, मतलब उसी समाज से बिलोंग करता हो, ठीक है? जैसे अगर आप किसी की नकल करते हैं, आप किसकी नकल करोगे? अपने फादर की कर सकते हो, अपने किसी टीचर की कर सकते हो, जैसा आप बनना चाहते हो, है ना? तो उस चीज़ की क्या करने लगते हो, मिमिक्री करने लगते हो आप, उस चीज़ की नकल करके आप उसके जैसा बनना चाहते हो। तो यहाँ पर जो इनसाइट लर्निंग होती है, यहाँ लर्निंग की बात चल रही है, अधिगम की बात चल रही है क्लास, ठीक है? तो यहाँ हम कुछ जो लर्न करेंगे, जो हम सीखेंगे, वो किस अवस्था में सीखेंगे, वो हम सीखने वाले किसी की नकल करते हैं, ठीक है? क्लियर है यहाँ पर? चलो मैम, किसी का रिस्पॉन्स नहीं है, सुनो रीजन कराना, फिर मैं उसको पढ़ाई मैं स्टार्ट कर दूँगी, तभी ठीक है। फाइनल ईयर पहले काम करें, आप रिजाइन करें, ठीक है? एक्चुअली टॉपिक थोड़ा बड़ा है, उसको टाइम लग जाएगा। रिजाइन करें आप क्लास।